Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. My name is Nilesh Sharma and I'm a Farmby fourth year student in Jaipur. और आज है 1st of June और कल मेरा पहला प्रैक्टिकल है हॉस्पिटल फार्मेसी का, तो आज थोड़ी तैयारी करेंगे उसकी और बाकी एक दो काम भी है क्योंकि अब सबको घर जाना है. और प्रॉब्लम एक ये है कि जो लोग दूर के हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो पास रहते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है. जो लोग दूर है उनको प्रॉब्लम ये है कि वो लोग को अगर छुट्टी 5-6 दिन की ही मिले तो उनका हाफ ऑफ द टाइम तो ट्रैवल में ही चला जाता है. सो एक ये भी एक रीज़न है कि कम छुट्टी जब मिलती हैं तो जो दूर वाले लोग हैं वो अवॉइड करते हैं जाना, या फिर वो फ्लाइट से जाते हैं तो सो एक्सपेंसिव, हर किसी का बस का नहीं होता फ्लाइट से जाना. तो अभी यही सब चीज़ें चल रही हैं कि छुट्टियाँ कब से होंगी, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल शायद 9 या 10 को ख़त्म हो जाएगा, 9 या 10 तक ख़त्म हो जाएंगे. तो उसके बाद सब लोग अपने घर निकलेंगे क्योंकि मैं 6 महीने से घर नहीं गया हूँ. दिवाली के बाद से मैं घर नहीं गया हूँ, दिवाली पे ही घर गया था. तो मेरे को भी घर जाना है, एक अंदर से एक हो रखा है कि फटाफट से घर पहुँचते हैं. तो उसी के लिए सब लोग अपने अपना थोड़ा अच्छी बनी चाहिए आज बहुत, तो सब लोग उसी के लिए थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो भी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ चीज़ें ठीक करवानी है, कुछ चीज़ें बैग वगैरह टूट गए हैं तो फट गए तो जिप वगैरह लगवानी है, तो वो सब अशोल में हो जाता है. तो आज अशोल जाना होगा मेरा, क्योंकि मेरे को अपना बैग ठीक करवाना है एक, और मेरा कांच भी टूट गया उसको भी ठीक करवाना है. तो एक दो चीज़ें वो करवा लेते हैं कि जितनी जल्दी जल्दी होती रहेंगी चीज़ें कंप्लीट तो उतना सही रहेगा लास्ट टाइम के लिए. क्योंकि फिर धीरे धीरे अपना सामान पैक करना शुरू करूँगा मैं भी, और जैसे ही सब कुछ हो जाएगा कि हाँ डन अब जाओ तो तुरंत निकल लेंगे उसी दिन अपन, क्योंकि घर जाना बहुत ज़रूरी है. मैं बहुत घर को मिस कर रहा हूँ. अब मेरे को लगता है कि होता पता क्या है कि स्टार्टिंग में तो सही रहता है, बट अब क्या हो गया कि एग्ज़ाम वगैरह सब खत्म हो गए हैं. और एक घर में ना एक चीज़ ही अच्छी होती है कि आप घर बैठे हो, खाना टाइम पे, ब्रेकफास्ट टाइम पे, लंच टाइम पे कोई टेंशन ही नहीं है. अभी क्या है कि ये छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन, जैसे टेंशन तो खैर नहीं बोलूँगा, ये डेली एसेंशियल चीज़ें हैं, नेसेसिटी है हमारी, बट फिर भी कि खाने में क्या बनाना है, मन नहीं है बनाने का. बट हैट्स ऑफ टू आवर मॉम्स की वो कभी से सोचती नहीं है. इसलिए जो लोग घर संभाल रहे हैं, जो हाउस वाइफ हैं, उनको तो सल्यूट है कि वो कैसे संभाल रही हैं. पूरा घर को संभालना इज़ अ वेरी बिग डील. तो मैं तो नहीं कर पाता सब चीज़ें कि ये सब चीज़ें क्या करनी है. फिर क्या होता है कि एक टाइम के बाद आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है कि ठीक है हम बाहर से खा लेंगे आज. अब जिस दिन आपने बाहर से खा लिया उस दिन आपका जो बजट होता है वो बिगड़ जाता है, वो फ्लक्चुएट कर जाता है. अब जयपुर का खाना इतना टेस्टी भी नहीं है पहली बात, और महंगा तो इतना है कि जैसे कि आप अगर एक 5-star होटल में खाना खा रहे हो ना, लगेगा ढाबे पे खाना खाओगे और प्राइस होंगे 5-star वाले. तो ये जो है जयपुर की खासियत है, स्पेशलिटी है, हर चीज़ में महंगा है, पेट्रोल में महंगा, सब चीज़ में महंगा. तो यहाँ पर तो आपको अपना हाथ थोड़ा टाइट रखना चाहिए. तो ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी जो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं. अब मुझे को बिल्कुल मन नहीं करता सुबह उठ के, मुझे सबसे अच्छी चाहिए कि सुबह बैठ पे कोई चाय दे दे, ब्रेकफास्ट मिल जाए, जाने जिम जाने से पहले मेरे को चीज़ें मिल जाए जो मेरे को चाहिए, और जिम आने के बाद मुझे खाना मिल जाए. तो ये सब चीज़ें मेरे को चाहिए. मम्मी आई मिस यू यार, आऊँगा जल्दी मैं. तो अभी चाय का स्वाद लेते हैं और काम शुरू करते हैं दिन को. गाइस अभी मैं जा रहा हूँ जिम और टाइम हो रहा है अभी 6:30. और जल्दी जा रहे हैं आज क्योंकि हर बारी की तरह कुछ एक्सरसाइज रह जाती हैं, तो आई डोंट वांट कि कुछ भी रहे आज. दैट्स व्हाई मेरे बाल थोड़े से बिखर ज़्यादा रहे हैं, फिर कैसे ऐसे करो सारे के सारे आ जाते हैं. तो आई नीड टू हल्का सा कट करवाना है इनको लिटिल बिट. अभी चलते हैं जिम. तो ये मेरी थोड़ी फेवरेट लोकेशन बन रही है धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा फेस है और पूरा जो सीन है वो अच्छा आता है, लाइट इनहेंस होके आती है. अभी लाइट ज़्यादा ऑन भी नहीं है फिर भी इतनी अच्छा व्यू आ रहा है. और आज तो कुछ किया नहीं, आज व्लॉग बिल्कुल नहीं कर पाया क्योंकि पूरा काम आज थोड़ा लैपटॉप को थोड़ा सा वो ज़्यादा हैंग करा था, तो उसको थोड़ा ठीक किया. देन प्रीमियर प्रो की अपडेट आ रही थी तो उसको अपडेट किया, उसके बाद व्लॉग एडिट कर दिया है इससे पहले वाला आ जाएगा. उसको खूब सारा प्यार देना, एकदम मस्त तरीके से देखना, कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरा रूम. छोटा सा एक पार्ट जो रिनोवेट किया है सोचकर समझकर, और
ये वाला जो था ना ये अच्छा लगा मेरे, मैं इस वाले को लेने के लिए इतना मूड में नहीं था, मैं दूसरा वाला लेने वाला था एक, बट ये भी बहुत अच्छा, ये अच्छा है एज कम्पेयर टू से, ये अच्छा काम कर रहा है। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ जिम जाने के लिए, क्योंकि हम जिम नहीं छोड़ सकते हैं, जितने दिन यहाँ पर है उतने दिन तो जिम कर लें, उसके बाद आगे जाके जिम ज्वाइन कर लेंगे, बट जिम करना है, क्योंकि जब आपको थोड़ा सा दिखता है ना प्रोग्रेस तो आप उसकी तरफ भागते हो, तो यही मैं अभी कर रहा हूँ। तो अभी चलते हैं जिम की ओर फटाफट से। और आज मैंने एक नई चीज़ मंगवाई है, दिखा नहीं पाया इनबॉक्सिंग वगैरह में उसकी, क्योंकि काम में था मैं। तो ये एक डिफाई कंपनी है, इसका मैंने हेडफोन मंगवाए हैं आज। मेरे पुराने वाले जो हेडफोन्स थे वो टूट गए थे, तो लेट्स इट इसको मंगवाया है। इसमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है और मैंने पहली बार एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन को यूज। तो ये इनका ऐसा लुक है, ऐसे दिखते हैं ये, और ये मेरे को पड़े 1500 के, तो अच्छा है। 1500 के मामले में एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मिलना और बहुत सारी चीज़ें इसमें, ऑफ केबल लग जाएगी, टाइप सी चार्जर है और उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, तो इट्स अ ग्रेट डील फॉर मी, तो मैंने ले लिया। तो अभी चलते हैं जिम, क्योंकि वैसे लेट हो रहे हैं। ये व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है, आज है 2 जून 2022 और मेरा एग्जाम है आज हॉस्पिटल फार्मेसी का प्रैक्टिकल, और कल का वर्कआउट बहुत ही अच्छा रहा। कल मैंने फाइनल डेडलिफ्ट जो मारी थी वो मैंने मारी थी 80 के जी से मैंने कल, बहुत दिनों बाद मैंने किया, तो 80 के जी से मैंने डेडलिफ्ट की थी कल, अच्छा रहा। थोड़ा हल्का हल्का सा मीठा मीठा सा प्यारा प्यारा सा पेन भी हो रहा है, तो वो सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो लेग्स तेरी है ना वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रखी हैं, तो उसको भी वही सेट कर लेंगे। तो फटाफट होते रेडी, क्योंकि मैं ऑलरेडी टाइम पे चल रहा हूँ एकदम ऑन टाइम, और कुछ प्रिंट आउट निकाल लें तो उसके लिए लैपटॉप भी ऑन किया है, तो फटाफट से वो प्रिंट आउट वगैरह निकालते हैं और चलते हैं अपने काम के लिए। हाउ इज योर प्रिपरेशन हैरी? एकदम रॉक करके आना है तुमको, रॉक करके आना है। हील हैंडल हैरी किसी से डरता नहीं है, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी गुड हैरी, दैट्स द स्पिरिट। निलेश भी तुम्हारा नंबर आने वाला है वाई वाई के लिए, हाउ यू फील? फाड़ के आओगे? पेपर तो है ही नहीं, जब फाड़ के आओगे टू 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 घायल भी हो, घुटने में मरा गया, मेरा पटीला सजा दिया गया, मार मार। दैट वाज नॉन इंटेंशनल निलेश, मैं तो ये मान रहा हूँ कि तुमने मुझे इंटेंशनली हार्म किया। और ये है हमारा लैब जहाँ बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। हाय, सो भी हम आए हुए हैं खाना खाने के लिए इन ली कैबरेल मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट। प्रैक्टिकल अच्छा हुआ, एग्जामिनर ने जो जो पूछा मेरे को सब आता था, मुझे भी आता था, मैं को भी मैंने बता दिया था क्या क्या करना है, तो शी नोज ऑल्सो लिटिल बिट। फिर पेपर में इसको मैंने बहुत कुछ दिखाया आज, यू नीड टू वर्क ऑन PTC गाइडलाइंस। लंबा है देखो। सो अभी हम वेट कर रहे हैं अपने लंच का, जो कि एज यूजुअल हमारा होगा थाली। अनिलेश का वीडियो भी अपलोड हो चुका
सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, बहुत सारा व्यूज दो उसको, ज़्यादा नहीं बस 1-2 मिलियन करवा दो यार, ज़्यादा थोड़ा ना, ज़्यादा की अपने को लालसा ही नहीं है। बस यहाँ पे ना 513 के बगल में 513K, हाँ ये भी थोड़ा ठीक है। हाँ हाँ हम लोग थोड़ा मतलब इसमें भी थोड़ा बहुत कर लेंगे, इसको बीच में रखता हूँ क्या मैं कैमरे पर।